हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने, आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। तो गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है। हमारे सभी सब्सक्राइबर इस अपडेट के लिए एलिजिबल हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी का आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, उनकी तरफ से आप लोगों को फ्री स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके अंडर आप लोगों को पहले डिजिटल ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आप लोगों को इंटर्नशिप मिलेगी, वो भी पेड इंटर्नशिप, जहाँ पर मंथ आप लोग को स्टाइपेंड अर्न करने का मौका मिलेगा। और ये सारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। इसके लिए आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग जिस भी फील्ड में अपने इंटर्नशिप सर्च कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। इस अपॉर्चुनिटी का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग फ्लिपकार्ट की इस ऑफिशियल पेज पे पहुंच जाओगे। फ्लिपकार्ट की तरफ से फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी लॉन्च की गई है, जहां पे एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है सप्लाई चेन ऑपरेशंस में। यहां पे ये जो प्रोग्राम है वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आप लोग आज भी रजिस्टर कर सकते हो। अभी टाइम है रजिस्टर करने के लिए। अगर आज टाइम नहीं है तो कल कर लेना, परसों कर लेना, क्योंकि अभी यहाँ पे लास्ट डेट के लिए टाइम है। यहाँ पे अगर हम बात करें, 360 डिग्री प्रोग्राम अप्रोचिंग है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डिजिटल हैंडआउट्स मिलेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर एक्टिविटीज होंगी आप लोगों के लिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा आपकी इंटर्नशिप के टाइम पे। ये जो कंप्लीट ड्यूरेशन होने वाली है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, वो 61 डेज रहने वाली है, जहां पे 16 डेज आप लोगों को डिजिटल लर्निंग मिलेगी, 45 डेज की आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, 13 डेज आप लोगों को सिखाई जाएगी स्किल डेवलपमेंट कैसे की जाती है, आपको ई कॉमर्स के फंक्शन, सप्लाई चेन ऑपरेशन के बारे में आपको सिखाया जाएगा, और 3 डेज आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी फ्लिपकार्ट की तरफ से। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में मैं भी आगे वीडियो में बता दूंगा। उससे पहले एक और बेहतरीन अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि गिग्स फॉर गिग्स की तरफ से आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है। आप लोगों को पता ही होगा अभी गिग्स फॉर गिग्स का गिग ओलंपिक कैंपेन लाइव है, जो कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लाइव है। इस कैंपेन में आप लोगों के लिए अलग अलग इवेंट्स लाइव हो रहे हैं। अभी आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन इवेंट लाइव हो चुके हैं, जैसे यहाँ पे एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस इवेंट लाइव हुआ है, जिसमें आप लोग अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हो इनके साथ, तो आप लोगों को कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, स्वैग जीतने का मौका है, अर्निंग करने का मौका है। इसके अलावा भी यहाँ पे डेली नए नए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे जॉबाथोन के नाम से भी एक बहुत बेहतरीन इवेंट चल रहा है, जहाँ पे 6 कंपनीज में आप लोगों को जॉब मिल सकती है एक सिंगल कॉन्टेस्ट के बेसिस पे, जो कि 21 जुलाई को आप लोगों के लिए होने वाला है शाम को 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक। 2.5 घंटे का एक हायरिंग चैलेंज आप लोगों के लिए होने वाला है, जिसके लिए आप लोग ऑनलाइन ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को कोई पैसा वैसा भी नहीं देना है। यहाँ पे 6 कंपनीज आप लोग को ये नाम दिखाई दे रहे होंगे, मेडिटैब सॉफ्टवेयर, हॉटवैक्स कॉमर्स, श्राइन सॉफ्टवेयर, विले एज, म्यू साइन एंड ऑल। इन 6 कंपनी में से आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो। यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है वो आप लोग देख लीजिएगा। 3 DSA कोडिंग प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करनी होगी, 15 MCQ बेस्ड यहाँ पे आप लोग का ये हायरिंग चैलेंज हो रहा है, तो MCQ सोल्व करने होंगे। तो इस चैलेंज को कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकता है और डायरेक्टली इन 6 कंपनी में से जॉब ले सकता है। कैसे पार्टिसिपेट करना है, आप लोग को लॉगिन टू रजिस्टर पे क्लिक करना है, गिग्स फॉर गिग्स पे आप लोग को अपना एक अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे आप लोग जिस भी कंपनी में जॉब लेना चाहते हो उस कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये कंपनी सेलेक्ट की, यहाँ पे पोजिशन भी मैंशन है, जैसे ट्रेनी डाटा साइंस की जॉब रोल ये दे रहे हैं इस टाइम पे। इसके अलावा विलेज कंपनी है, इसमें भी आप लोग को सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसी कंपनी में आप लोग को आपके टेस्ट के बेसिस पे जॉब मिलेगी। वन ऑफ द बेस्ट चांस हम मैं इसे कह सकता हूँ, जहाँ पे एक सिंगल टेस्ट के बेसिस पे आप लोग को इतनी बड़ी कंपनीज में डायरेक्ट जॉब मिल रही है। यहाँ पे 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग, उसके बाद थैंक्स फॉर अप्लाइंग का ऑप्शन आ चुका है। अब 21 जुलाई को आप लोग को ये हायरिंग चैलेंज एक्सेप्ट करना है, उस दिन आप लोग देते हो तो आप लोग को जॉब मिल सकती है। बाकी इसी कॉन्टेस्ट में आप लोगों के लिए अलग से और भी कुछ रिवॉर्ड्स हैं, जैसे समर इंटर्नशिप प्रिपरेशन है, जहां पे 7 डेज का फ्री वर्कशॉप आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर आप डीएसए की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीएसए के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, तो ये फ्री 7 डेज का कोर्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की फ्री डिजिटल ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो यहाँ पे प्री रिक्वायर्मेंट्स की बात करें, यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस इंटर्नशिप के लिए, तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th+12th, यानी कि 12th पास आउट बच्चे मांगे गए हैं। अगर आप लोगों ने 12th क्लास पास कर ली है अपनी किसी भी फील्ड में, की हो आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग अवेलेबल हो 45 डेज की इंटर्नशिप करने के लिए, तो आप लोग इस
अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन सकते हो। यहाँ पे स्मार्टफोन की जरूरत होगी आप लोगों को, लैपटॉप वगैरह भी नहीं चाहिए आपके पास, अगर एक स्मार्टफोन है इस तरीके का तो आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए डायरेक्टली ही अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को 2GB रैम होनी चाहिए आपके फोन में, ये बेसिक्स हैं जो कि आज के फोन स्मार्टफोन में सभी में ये सारी एलिजिबिलिटी होती है, तो आप लोग इस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, सभी लोग एलिजिबल हैं इस चीज के लिए। अगर हम लोग बात करें प्रोग्राम की, तो ये जो प्रोग्राम है वो 6 फेजेस में डिवाइडेड है, रजिस्ट्रेशन फेज, प्री असेसमेंट फेज, इंटरव्यू फेज, रिजल्ट अनाउंसमेंट, डिजिटल लर्निंग और इंटर्नशिप फेस। यहाँ पे अगर हम लोग फेसेस वाइज बात करें, सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आज ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आप लोग का एक प्री असेसमेंट ऑनलाइन टेस्ट ही होने वाला है यहाँ पे, जिसके बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इस टेस्ट में आपको मिनिमम 80% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप इस टेस्ट की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से प्री असेसमेंट की सिलेबस मेंशन है, फ्लिपकार्ट की तरफ से यहाँ पे बताया गया है जो भी सिलेबस होने वाला है, जो भी 10th 12th क्लास के बच्चों को आना चाहिए, जैसे नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, इन टाइप से क्वेश्चंस होने वाले हैं, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं, आई होप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही आप लोगों को मिलने वाले हैं इनकी प्री रिक्वेसाइट्स में। उसके बाद नेक्स्ट फेज की अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट फेज आप लोगों के लिए आ जाता है इंटरव्यू का फेज। उस टाइम पे आप लोगों को एक पर्सनल इंटरव्यू आप लोग का हो सकता है, और ये जो इंटरव्यू है वो भी आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है टाइमिंग पे। आप लोग को इनमें से इन चीज़ों में से ही आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद डिजिटल लर्निंग फेज स्टार्ट होगा, जहां पे आप लोग को 16 डेज की फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आप लोग को चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद आप लोग की इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, 16 डेज के डिजिटल लर्निंग के बाद आप लोग इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर सकते हो। ये जो इंटर्नशिप है आप लोगों की वो ऑफलाइन भी हो सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होती है, क्योंकि 45 डेज की जो इंटर्नशिप होती है उस टाइम पे बिग बिलियन डे सेल चल रही होती है फ्लिपकार्ट की, तो उस टाइम पे फ्लिपकार्ट हायर करता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लोकेशन वाइज, तो आपको लोकेशन वगैरह बाद में बता दी जाएगी किस लोकेशन के लिए इंटर्न्स को हायर किया जा रहा है, बट पहले हमारा फोकस है डिजिटल लर्निंग पे, आप लोग को फ्री में पहले ट्रेनिंग मिल रही है। तो यहाँ पे आप लोग को बैंक अकाउंट वगैरह आपसे बाद में मांग लिए जाएंगे, जो भी डिटेल्स इनको चाहिएगी, तो इस तरीके से आप लोग इसके लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद लोकेशन की बात करें, अगर आपका इंटर्नशिप में सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया के कुछ लोकेशन दी गई हैं जिनमें आप लोगों को इंटर्नशिप मिल सकती है, जैसे न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी। इस जोन की बात करें गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, इस टाइप की कुछ लोकेशन है जहां पे आपको इंटर्नशिप करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर। यहां पे FAQ सेक्शन भी है जहां पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर भी मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो किस चीज़ में होते हैं, स्टाइपेंड में, तो सबसे पहले मैं आपको स्टाइपेंड ही बताना चाहूंगा। जो इस टाइप की इंटर्नशिप होती है उनमें आपको स्टाइपेंड कैसे मिलता है, जैसे 45 डेज की फ्लिपकार्ट की इंटर्नशिप होती है, वहां पे नॉर्मली बच्चों को 500 से 600 रुपए लेके पर डे प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को, जो 45 डेज की फ्लिपकार्ट की इंटर्नशिप होती है उसमें। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 500-600 रुपए पर डे के आप लोग अर्न कर रहे होंगे इस इंटर्नशिप में भी, और इससे ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट थिंग की, कि ये जो इंटर्नशिप है आप लोगों की, उसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस यू विल गेट अ डिजिटल कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा सप्लाई चेन ऑपरेशन अकेडमी, जो कि फ्लिपकार्ट का हिस्सा है, उनकी तरफ से आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को स्टाइपेंड भी मिलेगा इंटर्नशिप पीरियड में, जब आपको फ्री में ट्रेनिंग कराई जाएगी उस टाइम पे आप लोग को यहाँ पे कुछ स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, बट आपके इंटर्नशिप में आपको मिलेगा। आप लोग ये सर्टिफिकेट डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो। उसके बाद आप लोग के लिए जॉब्स वगैरह के भी एक्सेस आप लोग को मिल जाता है, बाद में किसी भी अच्छी कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी में आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो तो वो कैसे करना है आप लोग को, तो आपको होम पेज पर ही जाना है। होम पेज पर आप लोग को रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर नाउ का बटन है, इस रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करना है, तो एक बेसिक सा एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि आई बिलीव आप लोगों का किसी का अकाउंट नहीं होगा। यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे आप लोग क्लिक करिएगा। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते ही कुछ बेसिक से डिटेल आपको ऐड करनी है, जैसे आपका नेम, आपका फादर का नेम, फादर ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये कुछ बेसिक से डिटेल आप लोगों ने जैसे ही फिल कर दिए, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका अकाउंट तो ओपन हो चुका है, बट आप लोग का जो प्री असेसमेंट है उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, वो आने वाले 2-3 महीनों में स्टार्ट होगी। यहाँ पे मेंशन है कि एकेडमिक प्रोसेस विल बिगिन ऑन 15th अक्टूबर। यहाँ पे जो आपकी एकेडमिक प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस है, वो 15 अक्टूबर के आसपास ओपन होगी, तो हम लोग वेट करेंगे उस चीज का। बट अभी आपको रजिस्टर कर लेना है, क्योंकि लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है, कभी भी ओवर हो सकती है। ये मत सोचिएगा 15 अक्टूबर बहुत आगे है तो अभी हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा इन्हें रजिस्ट्रेशन रिसीव हुए तो कभी भी इनकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो सकती है, क्योंकि कोई भी लास्ट डेट इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।